हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने आजियो से रिसेंटली कुछ और कुर्तीज़ ऑर्डर किया था घर में पहनने के लिए, कैजुअल वेयर के लिए। तो वो सारी कुर्तीज़ मैं आपको शो कर रही हूँ। ये सारी कुर्ती अंडर 250 रुपीज़ में, जिसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। चलो शुरू करते हैं हमारी पहली कुर्ती से। मसला क्या हो गया था इन सबको बाय करते वक्त कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पढ़ा था एंड मुझे नहीं पता था ये सारी कुर्तीज़ जो है वो कॉटन नहीं रेयन मटीरियल की कुर्तीज़ है। ये सारी जो कुर्तीज़ है ना वो क्रेप मटीरियल की, आई एम सॉरी, रेयन मटीरियल की नहीं है, सारी क्रेप मटीरियल की कुर्ती है। तो जो मेरा साइजिंग था वो लार्ज था, मैंने लार्ज साइज को ऑर्डर किया था एंड जो ऊपर जो पैकेजिंग मतलब जो MRP थी वो 1000 रुपीज़ थी और मुझे ये 235 रुपीज़ में मिली है। ये वास्मी करके कोई ब्रांड है उसका, ये जो कुर्ती है वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। इससे पहले मैंने इस कुर्ती को कभी ट्राई नहीं किया था, सॉरी, इस ब्रांड को कभी ट्राई नहीं किया था। तो मगर जो प्रिंट है ना वो मुझे प्रिंट बहुत ही क्लासी है, बट जो मटीरियल है वो क्रेप मटीरियल है। क्रेप मटेरियल अगर आपको नहीं पता होगा तो यूजुअली जो हमारे शलवार का मटेरियल होता है ना, जो हमारे पैंट्स का मटेरियल होता है वो है। बट प्राइसिंग के हिसाब से ये कुर्ती बहुत ही अच्छी थी, मतलब प्रिंट बहुत अच्छा था, सिलाई बहुत अच्छी थी। मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मुझे ये अच्छी लगी। अगर मैं चाहती तो इसको रिटर्न कर सकती थी क्योंकि मुझे कॉटन चाहिए थी कुर्ती, बट मैंने इसको रखा बिकॉज जो प्रिंट थी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी थी और ब्लैक इसका प्लेन था, बिल्कुल भी श्योर नहीं था। नेक इसका गोल था। अगर आप जब भी बाय कर रहे हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भर कर बाय करना। बट अगर आपने आजियो से शॉपिंग नहीं की तो आजियो की रिटर्न पॉलिसी भी बहुत ही अच्छी है। स्लीव्स पूरी ऐसी प्रिंटेड थी, ऐसे सिलाई दी गई थी स्लीव्स में ऐसे ही, मगर ये साइज़ थोड़ी अप थी। बट अगर आप घर में पहनने के लिए या कैजुअल वेयर के लिए मंगा रहे हो तो ये परफेक्ट है, आप इसको वेयर कर सकते हो। और चलते बढ़ते हमारी नेक्स्ट कुर्ती की ओर। नेक्स्ट कुर्ती मंगाई थी सेम, इसको भी मुझे लगा था कि ये कॉटन मटेरियल में होगी बट ये ऑल क्रेप मटेरियल की कुर्ती थी। बट इसका प्रिंट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्रिटी प्रिंट था। आप इसको प्लाजोस के साथ, चूड़ीदार के साथ अच्छे से पेयर कर सकते हो। ये सेम वही ब्रांड की कुर्ती थी जो आपको मैंने पहला ब्रांड बताया, वही ब्रांड की कुर्ती थी एंड इसका भी MRP 1000 रुपीज़ था, ये मुझे 235 रुपीज़ में मिली है। ऐसे अफोर्डेबल कुर्तीज़ आपको आज में बहुत मिल जाएगी, कॉटन में भी आपको बहुत मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारी कुर्तीज़ ऐसे शो किया है। तो इसमें भी पूरा प्रिंटेड था ये एंड प्रिंट बहुत ही ज़्यादा क्लासी थी, प्रिंट का कुछ नहीं। बट हाँ, थोड़ी साइज़ अप थी इसकी, बट अगर आप चाहो तो इसको पहन सकते हो, इतना कुछ अप नहीं था बट ठीक था, इसको आप पहन सकते हो। बट ये इसका डिटेलिंग की बात करें तो सिलाई बिलाई वॉज वेरी नाइस, आप ऑफिस कैजुअली इसको वेयर कर सकते हो, कॉलेज आते हुए वेयर कर सकते हो। तो ये कुर्ती उसके लिए परफेक्ट थी। पीछे इसका बैक पूरा प्लेन था, बिल्कुल भी शियर थ्रू नहीं था, बिकॉज यूजुअली ये कपड़ों की कुर्ती जो होती है वो शियर थ्रू होती है, बट ये बिल्कुल भी शियर थ्रू नहीं थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।